ट्राई ने मोबाइल यूजर्स को दी सख्त चेतावनी, कहा ये मैसेज आए तो भूल कर भी ना करें रिप्लाई। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपके पास ट्राई नाम से कोई मैसेज आता है जिसमें KYC और मोबाइल टावर के लिए NOC की बात की जाती है तो आप इसकी शिकायत करें, क्योंकि ये मैसेज साइबर अपराधियों की ओर से भेजे जा सकते हैं। ट्राई ने एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया मोबाइल यूजर्स के लिए सख्त चेतावनी जारी की है, जिसमें ट्राई ने कहा कि अगर आपके पास ट्राई के नाम से कोई मैसेज आए तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये मैसेज साइबर क्रिमिनल्स का हो सकता है। और इसी के साथ ट्राई के सचिव वी रघुनंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजकल ट्राई के नाम पर कई संदेश भेजे जा रहे हैं और जनता को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए ट्राई मोबाइल यूजर्स के लिए यह चेतावनी जारी की जा रही है ताकि यूजर्स सावधान हो जाएं। फर्जी मैसेज में क्या भेजा जा रहा है? साइबर अपराधी जो ट्राई के नाम से मोबाइल यूजर्स को मैसेज भेज रहे हैं, उस मैसेज में वे टावर लगवाने के लिए NOC देने और मोबाइल नंबर बंद ना हो इसके लिए KYC पूरा करने के लिए डिटेल मांग रहे हैं। उसके बाद मोबाइल यूजर्स को मैसेज में लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। अगर गलती से भी आपने इस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो सकता है। ऐसे में आपको इस तरीके के मैसेज से सावधान रहना होगा। आपको बता दें, ट्राई की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वो कभी भी मोबाइल नंबरों के सत्यापन, डिस्कनेक्ट करने, गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए कोई मैसेज यूजर्स के पास नहीं भेजता और ना ही ट्राई की ओर से इस तरीके के कॉल किए जाते हैं। वहीं ट्राई ने साफ किया कि अगर आपके पास इस तरीके के कॉल या मैसेज आए तो इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 1 मिनट न्यूज़।